अगर आप अपने दुश्मन से परेशान रहते हैं, दुश्मन आपके नाक में दम कर रहा है और बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, तो आज की हमारी यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने दुश्मन को पूर्ण रूप से ख़त्म करना चाहते हैं। तो आज की यह वीडियो आपके नाम रहेगी, आज की इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ दुश्मन को ख़त्म करने का अमल वजीफा। ये वो अमल है जिसका इस्तेमाल आज से प्राचीन काल के तांत्रिक क्रियाओं द्वारा किया जाता था, लेकिन आज के इस समय में मैं आपको एक बहुत ही खास तरीका बताऊंगा कि दुश्मन को हलाक कैसे किया जाता है, दुश्मन को हलाक करने का वजीफा है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी। देखिए मेरे भक्त, जो भी मेरे आज हमारे यूट्यूबर्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो देखिए उनके लिए वीडियो है कि कैसे आप अपने शत्रु से पीछा छुड़ा सकते हैं। दुश्मन चाहे जैसा भी हो, छोटा या बड़ा, उसकी खोट नियत नुकसानदायक साबित हो सकती है। दुश्मन से घर से आप दूर कर सकते हैं, या फिर आस पड़ोस में रहता है आपके, तो वो आपके लिए एक जानलेवा वार तक कर सकता है। जी हाँ, अगर आप उनसे बचना चाहते हैं तो आज के वीडियो अंत तक देखिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार पहुँचे हैं, तो मैं आपको बता दूँ इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा आपको हर एक समस्या का गारंटी से समाधान, चाहे दुश्मन हो, चाहे किसी पर काला जादू करना हो, काले जादू से बचना हो, काला जादू पलटना हो, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो में दोस्तों और इस चैनल पर किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की ईर्ष्या की भावना बढ़ जाती है और किसी की तरक्की देख कर आपकी तरक्की हो रही है, किसी को आपकी तरक्की भाती नहीं, तो देखिए इस तरह के क्रियाओं में ही ये सब होता है। दुश्मन आपके बनते हैं और वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनसे बचने के लिए समय रहते उपाय कर लीजिएगा। कई बार जो होता है कि दुश्मन का उत्पाद इतना इस कदर बढ़ जाता है कि उन्हें हलाक करना जरूरी हो जाता है। तो जी आज की इस वीडियो में मैं आपको एक खास अल्फाजों में बताऊं तो एक कुरान का एक आयत बताता हूं मैं आपको, जो आपके लिए खास रहेगी। बगैर किसी खून खराबे के इस्लाम में दुश्मन को ख़त्म करने के लिए कुरानी वजीफे के उपाय बताए गए हैं। इसके अल्फाजों में जालिम से जालिम दुश्मन को हलाक करने की ज़बरदस्त ताकती दुआ बताई गई है। इस अमल में लाने के लिए कुछ ज़रूरी बातें को आपको ध्यान में रखना है, वो आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसका अमल काफ़ी सोच विचार कर किया जाना चाहिए, जिससे जैसे कि किसी इंसान के खिलाफ इसके वजीफे का इस्तेमाल तब तक नहीं करें जब तक कि उसकी दुश्मनी का कोई सबूत हाथ न लग जाए। ये वजीफा करने से पहले अल्लाह ताला से इजाज़त ले लीजिएगा और इस्तिखार आपने ज़रूर करना है। इसे मुस्लिम के 214 तारीख के बाद ही किसी भी नाहुस दिन और जैसे शनिवार मंगलवार को ही पीजिएगा। इसे आपको क्या करना है, 3 तारीख 7 11 21 या फिर देखिए किसी भी महीने के दिन आप करते हैं तो आपको नियमित ध्यान रखना है। 11 दिनों तक रोजाना निश्चित समय पर आपको इसे करना होता है। शुरुआत से पहले आपने क्या करना है, कब्रिस्तान से मिट्टी और आपने किसी मरी हुई मछली लाकर रखनी है और पूरी तैयारी के साथ अपने मौलवी के मशवरे के अनुसार इस क्रिया को करना होता है। मुँह में काली मिर्च रख लेनी है 3, और उसके बाद आपने क्या करना है, बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ को अपने पढ़ना होता है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये दुरूद शरीफ को पढ़ने के बाद जो आपने सामान लिया है इससे किसी कब्रिस्तान में जाकर दफन करना, हर रोज आपने यही क्रिया करनी है। बस ये काम कर दीजिए, दुश्मन का नाश होगा, दुश्मन बर्बाद हो जाएगा। दुश्मन को हलाक करने का, खत्म करने का मैंने खास वजीफा आपको बताया था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।